तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक है। और यहाँ पर जो आपके पास ये रूट्स के हॉर्न होते हैं, तो यहाँ पर अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, तो ऐसे में ये जो है पूरी प्रॉपर साउंड नहीं बना पाते, जिसके चलते आपके हॉर्न जल्दी से ख़राब होने लगते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जब आप इनको रिपेयर कराते हैं तो ऐसे में जो रिपेयर वाले बंदे होते हैं वो आपको क्या बोलेंगे कि जो इसके अंदर पॉइंट होता है वो ख़राब हो जाता है, उसको चेंज करने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर नया पॉइंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास ये बड़े रूट्स के हॉर्न होते हैं, इनको आपने रिपेयर करवाना है, तो किस तरीके से कराएं, आप इनको अपने आप रिपेयर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा किस प्रकार से आप इनको अपने आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इनके अंदर पॉइंट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो में दोस्तों जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा ना, वो बिल्कुल एकदम स्टिक दूंगा। मैं आपको इसमें ये लाइव करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं बिना पॉइंट को इसमें डाले। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, हम पहले हॉर्न को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है, ये इसके जो 7 mm के यहाँ पर नट लगे होते हैं, इनको आपने ओपन कर लेना है। और यहाँ पर इनको ओपन करने से पहले क्या क्या यहाँ पर करना होता है, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बिल्कुल इसके अंदर टोटल प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और नॉलेजफुल वाला भी। सो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइज, मैं पहले आपको हॉर्न को चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर चेक करना भाई, तो यहाँ देखिए बैटरी को चेक कराओ, चार्जिंग है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए बैटरी फुल स्पार्क कर रही है। तो यहाँ पर जब हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर हॉर्न हमारा बिल्कुल भी नहीं ये बोल रहा है। तो ऐसे में अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दो ट्रिक बताऊँगा। पकड़ो भाई फ़ोन को पकड़ो। तो सबसे पहले आपके पास एक पेचकस होना चाहिए, 7 नंबर की चाबी, रिग मार्क और ये रेती, और इसके बाद आपके पास एक मार्कर होना चाहिए। सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पर किसी भी कोने पे आप एक नंबर लगा लें ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हमारा एक नंबर हो चुका है, मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे, ये इसलिए ताकि आपको ये याद रहे, ये वाला जो हिस्सा है यहीं पर ही बिल्कुल फिट आ जाएगा। और यहाँ पर मैं 2 नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर इस साइड में, देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया, जिससे हमें ये पता रहे कि यहाँ पर ये हमने इसमें लिख लिया। आप चाहे तो यहाँ पर 3 भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर चलिए मैं 3 लगा देता हूँ, ठीक है, कि जिससे हमें ये पता रहे कि ये यहाँ के हिस्से हैं। अब यहाँ पर इसके बाद आपने करना क्या है, जो यहाँ पर ये मेन इसका पॉइंट होता है, ठीक है, आपने इसको काफ़ी पहले ही लूज़ कर लेना है, देखिए, ठीक है, ऐसे आपने इसको लूज़ करते रहना है जब तक यहाँ पर एक सेविंग ब्लेड से जितना यहाँ पर गैप ना बन जाए। यहाँ पर देखिए आपने इतना इसमें गैप बना लेना है। तो अब यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ इसमें गैप हो चुका है, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब इसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ के ये 7 mm के जो नट लगे होते हैं इनको यहाँ से खोल लेता हूँ। मैं जो भी आपको दिखाऊंगा ना, आपके सामने बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा, ना ही इसमें पॉइंट डालूंगा, ना ही कुछ करूंगा। इसके बाद जो ये 7 नंबर के नट होते हैं, अभी हॉर्न जो है हमारे बिल्कुल सील हैं, पहली दफ़ा ये खुल रहे हैं, इनमें कोई यहाँ पर पहली बार कुछ ओपन नहीं हुए हैं ये, जिससे इनको रिपेयर किया जाए। तो मैं इनको पहली बार ही खोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी हॉर्न ठीक किए हैं, तो सोचा आज आपके लिए ये वीडियो में जानकारी दे दी जाए। अगर आपके पास अपने हॉर्न होते हैं उनको आप किस तरीके से अपने आप रिपेयर करके देख सकते हैं। तो मैं इनको पहले खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैंने इनको ओपन कर लिया है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपने यहाँ पर निशान लगा लेने हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे उठाना, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा एक पेंच लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इसमें कितना कार्बन, इसका भी हाल ही हुई है, हाँ, इसमें भी यहाँ पर जंग लग चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना जंग लग चुका है इसमें। तो ये जो जंग लग जाता है यहाँ पर पॉइंटों में लग जाता है, यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं, जिसके चलते ये हॉर्न बजना बंद कर देते हैं। तो अब करना क्या है, आपने यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने ये वाले जो यहाँ पर पेच लगे हैं इनको ओपन कर लेना है यहाँ पर से। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसके अंदर कितना जंग लग चुका है। ये जंग कब लगता है,
अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी होगी कि जो पैकिंग होता है यहाँ से ये रिसर्व अंदर आता है, तो यहाँ से इसके अंदर रिसर्व नहीं आता। मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसके अंदर जो यहाँ पर पानी जाता है वो जाता है जो यहाँ पर ये मेन इसके दो पेच होते हैं, यहाँ से इसके अंदर ये पानी चला जाता है। यहाँ से पानी जाने के चलते यहाँ पर ये पोर्ट धीरे 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 जो है यहाँ से ये इसके इसमें सभी हिस्से में फैल जाता है, जिसके चलते यहाँ से ये फार्मन लगने के चलते ये बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट नहीं मिलेगा, तो करंट नहीं मिलने के चलते ये बोलना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर ये इसका पॉइंट होता है, पॉइंट बहुत कम चांस होता है कि जो ख़राब हो जाए, ये आपने याद रखना है। पॉइंट जो नए हॉर्न होते हैं उनका तो ख़राब होता नहीं है, तो इनको आज मैं रिपेयर करना बताऊँगा आपको किस प्रकार से हम इसको रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये पेच आपने इतना लूज़ कर लेना है ताकि यहाँ पर ये इससे नया निकले। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर कितना गैप है। यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है दोस्तों, हो सकता है आपको क्लियर साउंड ना आ रही हो, क्योंकि मेरे दुकान पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है, जहाँ जहाँ पर ये कार्बन लगा हुआ है, जंग वगैरह, ये आपने बिल्कुल यहाँ से साफ़ कर लेना है, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये भी, और ये पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कितना कार्बन लग चुका है, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मैकेनिक ऐसे होते हैं जो हॉर्न रिपेयर करते हैं वो इसके अंदर नया पॉइंट ही डाल देते हैं, तो आपको पता नहीं लगता, बोलेंगे कि आप एक दो घंटे बाद ले जाना, आपको ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ही इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर पहले कार्बन होगा जो ये साफ़ कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, जो यहाँ पर ये दूसरा पेच इसमें लगा होता है, यहाँ पर भी ये काफ़ी इसमें कार्बन आ चुका है, तो आपने यहाँ से भी जो है इस कार्बन को साफ़ कर लेना है। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि यहाँ से जो है करंट की सप्लाई नहीं मिलेगी, तो ये स्पार्किंग करता रहेगा और हॉर्न हमारा कम बजेगा और जल्दी से ख़राब हो जाएगा, जिसके कारण ये शॉर्ट होने लगता है। तो मैं इसको भी थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, और ये है, इसको भी आपने साफ़ कर लेना है। यहाँ पर इसके बाद मैं आपको इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जिसके कारण हमारा हॉर्न ये ख़राब होने लगता है। तो मैं पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपने यहाँ पर भी रेक मार्ग से इसको साफ़ कर लेना है, ये भी कर लेना है और ऊपर से ये भी कर लेना है। तो ये हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने यहाँ पर ये छोटा स्क्रू ड्राइवर लेना है, और यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है आपने इसके पीछे इसको फंसा देना है ऐसे। ये यहाँ पर ये ऐसे फंस चुका है। अब यहाँ पर जो ये इसका मेन पॉइंट होता है इसको भी आपने साफ़ करना है। ये ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये अब हमारा इतना काम हो चुका है, हमने इसकी इतनी सफाई कर ली है। अब इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने यहाँ पर इतने हिस्से में इसके ऑयल देना है, पॉइंट पे लगा दो, यहाँ पर लगा दो, आपने यहाँ पर ऐसे ऑयल लगा देना है ताकि यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह न आए, क्योंकि अगर यहाँ पर मॉइस्चर आ गया तो यहाँ पर दोबारा जंग लग जाएगा, और जंग लगने के चलते ये बोलना बंद कर देगा। तो ये हमारा इतना काम हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारे ये पिंच थे इनको आपने वैसे ही लगा लेना है। तो यहाँ पर ये दो पेंच है, इनको आप थोड़ा ऑयल में डिप कर लेना। अब यहाँ पर इसको इसमें लगा दो और दूसरे वाले को यहाँ पर लगा दो। ये हो गया। अब इसके बाद ये आपने यहाँ पर इसमें लगा देनी है, और इनको लगाकर आपने टाइट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर
जो उसकी ये पत्तियाँ होती हैं ये भी आपने इसमें लगा देनी है, इनको लगा कर भी आपने टाइट कर देना है। तो गाइस अब हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसके बाद इसकी फिटिंग करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो इसका ये पैकिंग है ये आपने लगा लेना है, और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 आपने इसको उसी पोजीशन में लगा देना है, जैसे कि ये 3 है और मैं 3 वाले को ऐसे कर लेता हूँ। तो ये हमारा इसमें फिट आ चुका है, इसके बाद हम इसके पेंच यहाँ पर लगाकर उनको टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी इतनी फिटिंग कर दी है, यहाँ पर हमने पॉइंट वगैरह कुछ नहीं इसमें डाला है, इसके पेच हमने टाइट कर दिए हैं, और अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ पहले। लगाना भाई यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर जो है कुछ भी स्पार्क वगैरह नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, पहले इसकी सेटिंग यहाँ से कर लेनी है। तो ये जो आप सक्रिय देख रहे हैं इसको आपने टाइट करते जाना है, क्योंकि हमने इसको जो है काफ़ी खोल दिया था। अब देखो यहाँ पर ये इसकी सेटिंग अब हो जाएगी। तो अब लगाना भाई, बैटरी थोड़ा ऊपर पकड़ लेना भाई साहब, रुक जा, टच कर दे रहे ना सिर्फ। तो जहाँ पर आपको ज़्यादा लाउड इसकी साउंड लगे उस हिसाब से आपने इसको सेट कर देना है। देखना, देखो, तो देखो इसकी साउंड बढ़ती जा रही है, करो। यहाँ पर ओके है, अब चेक करना दोबारा। देखो हॉर्न हमारा वही है, मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। लगाना भाई साहब, बस अब हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पर, मैं इसमें इनको लगाऊँगा, ये दूसरे वाला है तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर इनको हम लगाने वाले हैं, इसके बाद इसकी साउंड चेक करेंगे। तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ पहले। तो गाइस हमने हॉर्न की फिटिंग कर दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी इसकी कुछ डाउन है, मैंने यहाँ पर दूसरी बैटरी लगा ली है, और अभी हमारा सामान यहीं पर पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। और मैं इसको अब आपको बजा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉर्न वहीं है, हमने यहाँ पर निशान लगाए हुए थे, और यहाँ पर भी आपको मैं चेक करा दूँ, देखिए, क्योंकि मैंने दोनों को रिपेयर किया है। और अब चेक कराता हूँ, बजाना, बजा के दिखाना। बस 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 बस। तो गाइस देखा आपने इसके हॉर्न कितने ज़बरदस्त साउंड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको सिर्फ सफाई करके ही इनको फिट किया है, बिल्कुल आपके सामने मैंने दिखाया है, और यहाँ पर मैंने इनके अंदर कोई पॉइंट वगैरह नहीं डाला। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको इसमें दिखाया है आप उस तरीके से इनको करके देखें रिपेयर, आपके जो ये हॉर्न होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से आपको दोस्तों इस वीडियो में ये अच्छी जानकारी दे दी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।